so whatever part which was pending which could not be covered or uh, might be covered that day so let's review that and move ahead whatever part is uh, was not covered that day so we will cover it today so the first thing where we can create landing page so there are so many channels you can create your landing pages and the simplest and the free प्लेटफॉर्म टू क्रिएट योर लैंडिंग पेज इज मेल चिंप विच सत्या हैज डिमोन्स्ट्रेटेड यू इन डिटेल इन द लास्ट क्लास सो मेलचिम्प नेम इज सिंपल बट एक्चुअली दिस इज अ वरफुल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट लैंडिंग पेज मेलचिम्प लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी आसानी से आप अपने लैंडिंग पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज गूगल साइट गूगल साइट्स इज ऑल्सो अ फ्री प्लेस वेर इन यू कैन क्रिएट योर लैंडिंग पेज गूगल साइट एक और फ्री स्पेस है फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हैं तीसरा बिक्स डॉट कॉम चौथा साइट वन टू थ्री डॉट कॉम एंड फिफ्थ वन इज बर्ड प्रेस्ट यू क्राफ्ट आप इसका एक पिक्चर ले सकते हैं यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस बैबली लैंडिंग कन्वर्ट फ्लो कन्वर्ट लैंड बोट और इसके साथ ही सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं मैं आगे बढ़ने से पहले बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल सो वॉट एक्चुअली डू यू मीन बाय दिस लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज से आपका क्या अभी तक समझ विकसित हुई है आप क्या समझते हैं कि लैंडिंग पेज को यूज करने से आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग में या बिजनेस में क्या फायदा हो सकता है और एक्चुअली ये कैसे हेल्प कर सकता है सो आई वुड आस्क फ्रॉम एवरी वन हर आइदर यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स और यू कैन ओपन योर माइक आप अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं परपज क्या है क्या वैल्यू एड कर सकता है वॉट इट कैन डू फॉर यू बहुत शांति है आज कमरे में uh, मुझे मैं एक्चुअली लास्ट टाइम नहीं अटेंड कर पाई थी तो मुझे लगा शायद uh, सिखाएंगे पूरा मुझे जितना पता है लैंडिंग पेज uh, में कि जब हम कोई कैंपेन रन करते हैं तो उसमें उसका लिंक अगर हम डाल दें तो उस प्रोडक्ट के या उस वर्कशॉप से रिलेटेड सारी डिटेल्स उस लैंडिंग पेज पे होती हैं वेयर द कस्टमर कैन गेट ऑल डिटेल्स अलॉन्ग विद Uh, product details plus the, uh, you know, how, uh, what are the charges and also a payment gateway is also linked. I think it can be considered as a mini website for that product or, you know, for that. That's my limited knowledge which I have. Thank you, Kavita ji. That's, I think, uh, good knowledge. And uh, you have covered everything about that, almost everything. You have hai everything. I would like to ask the same thing.

वो भी लैंडिंग पेज हो सकता है या डिजायर्ड पेज जहां पे मेरे को क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को लैंड करवाना है और वो वही पेज देखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ लैंडिंग पेज का कि मैं वेबसाइट में उसको क्रिएट कर सकता हूँ कोई भी मेरा पेज को मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ एज ए लैंडिंग पेज बट अभी ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर मेरा वेबसाइट नहीं है तो आई कैन इवन क्रिएट लैंडिंग पेज थ्रू ऑल दिस

प्रोडक्ट्स को जिस हिसाब से डिस्प्ले कर रहा हूँ भी मैं वो को कैप्चर करके यूज कर सकता हूँ तो मेरे को ये और रही है। बात आपने कम्प्लीट कर दी और बहुत अच्छी तरह रिफोर्स किया आपने डेफिनेशन को। बाकी सब लोग विजय देश पांडे सूरज जी पुनीत बत्रा जी एंड मिस जयशवा फर्नांडिस फ्रॉम गोवा अलका मैम हामिर जी सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन प्लीज़ हाँ विजय बोल रहा हूँ सर yes. मेरा मेरे हिसाब से ये है कि जो भी मैं लैंडिंग पेज तैयार कर रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाए और वहाँ से वो इंटरेस्टेड है तो वो आ, मेरे इसमें डाटा में उसका ये हो <coughs> यानी उसका नाम मेल आई फोन नंबर्स वगैरह आए और फिर मैं बाकी उसमें आगे उसको डिटेल्स जो है वो भेज सकूँ और नॉलेज है छोटा सा उसको वहां पे कर उसमें। कि उसमें मैं मैं कर उसमें उसमें सोच रहा चलिए थैंक यू सर यू ट्राइड वेल टू कम्युनिकेट थिंक अबाउट दैट आपने कोशिश की इसके लिए आपको uh, बहुत बहुत धन्यवाद लीड यस नेक्स्ट प्लीज और कोई है जो अपनी बात ऐसा लगता हो यस यस मैं आमिर बोल रहा हूं सर यस आमिर जी और कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप बताएं आप अपने मैं भी इस पर... हूं। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा लैंडिंग पेज पे मेरे को जो मालूम है स्वागत है सर लैंडिंग पेज ए, से ये क्योंकि लीड्स को जो सो ना मिस करते हुए पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एक ही पेज में इधर उधर वो कहीं भी नहीं जाते हुए उसको कोई एक्सेस ना हो बस पूरा पेज पे पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और मल्टीपल सेक्शन हो जहाँ पे हर सेक्शन में उसको जो कन्वर्ट करने का जो बटन हो जैसा अपने एक्शन एक्शन बटन जिससे वो जो है ना इमीडिएट एक्शन ले सके बस इतना मुझे मालूम है बहुत बढ़िया थैंक यू सर आपने बहुत ही सदे सदे हुए शब्दों में बहुत कम शब्दों में उसको डिफाइन किया कि उसको एक जगह पे ले आना इधर उधर वो कहीं ना जाए एक फिक्स प्लेस पर आए तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लैंडिंग प्लेस से लाइक like हम uh, हेलीकॉप्टर को जहां लैंड कराते हैं तो देर इज वन हेलीपैड और वहाँ हेलीपैड पर हम इसलिए प्रोविजन करते हैं कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाकर एक फिक्स प्लेस पर वो लैंड कर जाए द सेम वे मार्केटिंग में वेबसाइट इज लाइक आर ऑफिस हमारे ऑफिस की तरह है ऑफिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ चेम्बर्स अलॉट ऑफ प्लेस अलॉट ऑफ प्रोडक्ट होगा ऑफिस पर आता है तो वो बहुत सारी चीजों के थ्रू उसको जाना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट रेंज के थ्रू जाना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट रेंज आपके अबाउट पेज आपके टेस्टी टेस्टि आपकी गैलरी आपके कॉन्टेक्ट आपके ब्लॉग एंड ब्ला अलॉट ऑफ थिंग्स माइट बी प्लेस्ड इतनी सारी चीजें आपने वेबसाइट पर रखी so what will happen the people might get confused or if somebody is coming over there just for one minute or 30 second so he would not be able to take decision he ha he would require a lot of time to study your website your company your product your services आपकी वेबसाइट पर कोई आदमी अगर आता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं और उन चीजों को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए but the people who are actually they want to buy something जिनको कुछ खरीदना होता है वो इमीडिएट जाए प्रोडक्ट मिले खरीदे निकले हमें ऐसा एक प्रोविजन ऑनलाइन करना है तो वी क्रिएट वन चैम्बर वी वुड क्रिएट वन आउटलेट इन आर ऑफिस इफ इट इज अ फिजिकल ऑफिस अगर ये हमारा फिजिकल ऑफिस है तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा काउंटर बना देंगे उस काउंटर पर प्रोडक्ट रखा लोग आए प्रोडक्ट लिया पे किया निकल लिए सो दैट वुड बी अ लैंडिंग काउंटर द सेम वे In our website or in our online internet marketing, what we can do or what we do, we create one single page wherein we put all and every information about a single product or service. Person comes over there, you just send links to the people, and people come through clicking that link on that particular uh, page. And that page contains everything, whatever is about that particular service or product. and they gets persuaded, they gets impressed, they gets influenced, and then you give them a CTA call to action and they grab that call to action, वो वहाँ call to action पर क्लिक करते हैं और वो सीधे आपकी कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं या तो वो खरीद लेते हैं ये आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं आपका पर्पज वही था आपका पर्पज या तो था उस आदमी का कांटेक्ट नंबर लेना या आपका पर्पज था उस आदमी को आपका प्रोडक्ट बेच देना दोनों में से कुछ ना कुछ करके वो आदमी जाता है तो इसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज और ये लैंडिंग पेज आज बड़े काम की चीज है इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर बनाया जा सकता है आपने बनाना सीखा एक प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपको एक दो प्लेटफॉर्म पर और बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो और उसे ऑटोमेट कैसे करते हैं सीक्वेंसिंग क्या होती है उस लैंडिंग पेज की सीक्वेंसिंग इज देर इज वन लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज मीनस वन डिस्प्ले ऑफ योर गुड थिंग्स और डिस्प्ले अबाउट द गुड पार्ट गुड स्टेटमेंट गुड पिक्चर्स गुड वीडियोज अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज द सिंगल पेज लैंडिंग पेज इफ समी गेट्स इंफ्लुएंस्ड then you put a button under that content that if you are really if you want to buy this product click here if somebody clicks on that then he or she gets directed towards one another page जैसे कोई आदमी influence होकर प्रभावित होकर खुश होकर देखकर राजी होकर नीचे के button पर button दबा देता है या click कर देता है तो वो सीधे एक दूसरे पेज पे चला जाता है उस पेज पे आपकी कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, इतना रुपया इतना टैक्स इतनी सिपमेंट ये आपका जीएसटी ये डिलीवरी का टाइम है और ये आपका डिस्काउंट ऑफर है डिस्काउंट कूपन है वो तो सारा आपके सेकंड पेज पे मिलता है फिर वो आदमी कमर्शियल इंफॉर्मेशन फिल करता है अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फिल करता है ये सेकेंड पेज पे होता है यहां डिस्प्ले था शोरूम शोरूम में राजी हो गया आदमी तो फट से उसको साइड से बोला जी पीछे जाओ डिलीवरी ले लो साइड में दूसरे पेज पे उसको हम बोलते हैं चेकआउट पेज चेकआउट पेज पे चला गया चेकआउट पेज पे जैसे ही कंप्लीट करके पेमेंट ओके की या उस आपने उसकी एंट्री फिल कराई आपने अगर पे नहीं करा रहे अगर अनपेड सेक्शन है तो आप क्या करते हो उनका फोन नंबर लेते हो ईमेल लेते हो जैसे ही किसी ने फिल करके सबमिट किया आप सीधे तीसरे पेज पर पे उसे लैंड कराते हो आओ जी स्वागत है आपका आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया आपने इसको परचेज कर लिया थैंक यू वी आर हियर फॉर हेल्प यू आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे बात करना एंड दैट थर्ड पेज इज कॉल्ड थैंक यू पेज जैसे कोई खरीद लेता है ना आपका माल आपके शॉप में से आपके शोरूम में से तो आप कहते हो अच्छा ठंडा पानी पियोगे आप चाय पियोगे आप वो जो पेज ठंडा पानी चाय बात पूछते हो वो आपका थैंक यू पेज दिखाता है अच्छी बात फिर आपको उसको थोड़ा पैम्पर करता है तो ये तीन पेज लैंडिंग पेज के पार्ट है रादर ये देखने में एक ही लगता है बट इसके इंटरनल तीन सिक्वेंसियल पेजेस होते हैं इसमें अगर पेड ऑप्शन नहीं है तो आप चेकआउट पेज को हटा भी सकते हैं दो ही पेज में काम चलेगा अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं फिर प्रैक्टिकल में चलूंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं तो आप प्लीज इसकी भी फोटो ले सकते हो यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस पुनीत बत्रा जी ने कहा मैंने एक प्रिपेयर किया जरूर देखेंगे पुनीत जी आपको यस yes. अब आप इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंडिंग पेज बनाना आसान है टेक्निकली बट साइकोलॉजिकली उसमें क्या क्या चाहिए उसके इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स क्या है जब तक हमें वो नहीं पता हम एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते तो अच्छा लैंडिंग पेज बनाने के लिए टू क्रिएट अ गुड काइंड ऑफ कंपेलिंग लैंडिंग पेज वी रिक्वायर टू एसोसिएट वी रिक्वायर टू पुट इट दसेंशियल कॉम्पोनेट एंड दीज आर जनरली एट कॉम्पोनेंट सो वॉट इज दैट वन मेन हेडलाइन फेना ही लेना और जो वट एवर हेडलाइन देट शुड बी अ कैची लाइन तो दैट शुड बी अ कैची लाइन आई एम गिविंग यू सम्पल्स ऑफ दैट अन हेडलाइन एंड द सपोर्टेड लाइन ठीक है दाग अच्छे हैं रिन है तो दाग अच्छे हैं ऐसे करके अब मैं आपसे चाहूंगा आप सबकी एक एक लाइन एक हेडलाइन और सपोर्टिंग लाइन आप अपने प्रोडक्ट की मुझे चैट बॉक्स में लिख के दें एक आपकी कंपेलिंग लाइन आपके प्रोडक्ट की और एक उसकी टैगलाइन सपोर्टिंग लाइन हाँ प्लीज बताएं मुझे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका ये एक टैगलाइन है ये हेडलाइन ब्रेन होती है आपके प्रोडक्ट की जैसे यहां लिखा है ये मेक एवरी एक्सपीरियंस काउंट वन ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म फॉर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स ये किसी का ऑप्टाइम ऑप्टिमाइजली ऑप्टिकन ये कंपनी का एक हेडलाइन लाइन और उसकी एक सपोर्टिंग लाइन है तो आपकी क्या लाइन होगी प्लीज लिखो मुझे चैट बॉक्स यस ये एक यस yes. जल्दी से मुझे लिख के बताओ आप सब एक हेडलाइन एक टैगलाइन आपकी अपनी क्या लिखोगे अपने लैंडिंग पेज पे? प्लीज पुट इट हियर द चैट बॉक्स रिबूट योर करियर कविता जी ने फिर बाजी मारी है और कविता जी उसकी एक एसोसिएट लाइन एक सपोर्ट लाइन सर थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये लैंडलाइन लैंडिंग पेज पे हेडलाइन कहाँ पे आएगी मतलब एकदम टॉप टॉप पे आएगी आएगी सबसे पर आएगी सबसे पर मैम पहली लाइन और मतलब... सब हेडलाइन सब हेडलाइन उसके नीचे जैसे यहाँ मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेक एवरी एक्सपीरियंस काउंट और उसके हाँ, नीचे हाँ, लिखा हाँ, है वन ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म या नीचे आपका एक सपोर्ट लाइन आएगी बस यहाँ आएगा सबसे टॉप ओके सर यस विजय देश पांडे जी योर वेल्थ क्रिएटर योर गोल सेटर नहीं चलेगा सर ये कैची लाइन नहीं बनी नहीं फिर किस प्रकार से रहेगा ट्राई uh, करो सर आप प्रोडक्ट क्या है मुझे बताओ फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग ओके फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लिखेंगे fulfill your financial needs fulfill your financial needs अब नीचे supporting line लिखो achieve every goal of your life आदमी को लगे ऐसी उम्मीद बंधे पहली लाइन देख के कि हाँ कुछ कुछ चमत्कार होने वाला है जिंदगी में तब तक आदमी रुकेगा नहीं आपके पास जनरल लाइन आपके लिखने से the person will not get impressed influenced इंटेंगल्ड योर शी शुड बी इंटेंगल्ड इन द फर्स्ट ग्लैंड लाइन दिमाग में घर कट जानी चाहिए बात कुछ हटके जाए सेकेंड okay. लाइन क्या बताया आपने अचीव योर योर फाइनेंशियलियल फाइनेंशियल नीड्स एंड अचीव योर गोल्स अचीव गोल अचीव एवरी गोल ऑफ ए लाइफ जिंदगी के सारे गोल अचीव कर लो और सारे मतलब जितने भी पैसे चाहिए वो सब मिलेंगे अब मिलेंगे कैसे ये आप बताएंगे नो योर डीएनए डिस्कवर नेविगेट एंड टू बिकम अ लीडर इन योर करियर मैम सीधे लिख दो बिकम योर ड्रीम लीडर बिकम अ लीडर ऑफ योर ड्रीम फिर नीचे लिखो Get your desired success. धमाकेदार लाइन होनी चाहिए इतनी सिंपल हो कि उसको सोचने में वक्त नहीं लगे बस उसके मन में गुदगुदी सी उड़ है? लीड योर करियर एंड गेट द डिजायर्ड सक्सेस हाँ ये सपोर्ट लाइन हो सकती है थोड़ी सी और सिंपल बनाओ उसको एक दो शब्द भले कम हो बिल्कुल सिंपल

जो लोग पढ़ रहे हैं इसमें एटलीस्ट यू कैन हेल्प मी आउट अगर ये आप पढ़ते हैं जो मैं अभी वापस लिख रही हूँ और टैगलाइन है हेलो लीड योर करियर रीबूट योर करियर lead your uh, lead your career to get the desired success ah हाँ, reboot your career तो नीचे लीड योर करियर लाने की दो बार हाँ, करियर लाने की जरूरत नहीं मैम हाँ एक बार करियर को आप एलिमिनेट कर सकते हो गेट योर डिजायर्ड सक्सेस ये okay. ये लिख सकते हो बस इतना आ जाएगा यस नेक्स्ट प्लीज और लिखा किसी ने पुनीत जी ने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट लाइफ इंश्योरेंस हेडिंग कम फॉर ये कैची लाइन नहीं बनी कैची लाइन नहीं बनी धमाकेदार लाइन नहीं आई चार पांच लाइनें लिख के आप मुझे कल भेजना सारे ग्रुप में आप चार पांच लाइनें लिख के सब भेजना और हम सब फिर उस पर कमेंट करेंगे यस नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं मैं जल्दी से लेके चलता हूं आपको टाइम कम है और डिसाइड बहुत करना है हमें मी सर सर यस प्लीज किस चीज हेडलाइंस हम लोग प्रैक्टिस मैं थोड़ी लेट आई इसीलिए टाइम पाना चाहिए मैम हम पंद्रह मिनट का हेडलाइन कर रहे हैं लैंडिंग पेज ओके जी चलिए तो अब उसके बाद हमें चाहिए एक यूएसपी एक स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट वो हमें उसमें डालना है तीसरा क्या बेनिफिट ऑफर करता है आपका प्रोडक्ट मैं भी सबके एग्जांपल्स दिखा रहा हूं चौथा कुछ इमेजेस कुछ वीडियोस जिनसे आदमी इंप्रेस हो पांचवा उसके कुछ सोशल प्रूफ्स आपने पहले किसी को दिया उसका कोई टेस्टिमेनियल वहां नीचे लगाया एंड छटा फिर उस स्टेटमेंट को री करो नीचे पांच चीजें आदमी पढ़ने के बाद फिर थोड़े मन में गुदगुदी आए फिर उसी स्टेटमेंट को नीचे लाके आप उसी चीज को अच्छी तरह से फिर लिख दो मैं नीचे दिखाने वाला हूं एंड देन क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट क्या आप भी चाहते हो यही सब देन क्लिक हियर फिर आप सी टी ए लगाओ कॉल टू एक्शन फिर आप कॉल टू एक्शन लगाएं और जब ये कॉल टू एक्शन लगेगा तब जाके आपका एक प्रॉपर लैंडिंग पेज डिजाइन होगा प्रॉपर लैंडिंग पेज बनेगा तो ये हो गया चलिए कुछ लोगों ने लिख के भेजा है हम उसे ये प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो वहां से अच्छी तरह देख पाएंगे क्योंकि यहाँ टाइम कम है यूनिक सेलिंग प्रन में आप एक यूएसपी जो भी आपकी है जो अच्छा ही आपकी है वो लाइन आप नीचे लिख सकते हैं और फिर उसके की बेनिफिट्स आप लिख सकते हो बुलेटेड पॉइंट्स में क्या बेनिफिट है मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा फिर आप इमेज फोटो वीडियो जो लगाना चाहते हैं लगाएं उसके बाद आप अपने सोशल प्रूफ दे देंगे कि ये इसने किया था ये कोर्स तो उसको ये फ़ायदा हुआ इसने कोर्स किया तो इसको ये फ़ायदा हुआ इसने कोर्स किया तो इसको ये फ़ायदा हुआ या इसने प्रोडक्ट बाय किया तो इसको ये फ़ायदा हुआ और ये री स्टेटमेंट वापस फिर एक स्टेटमेंट आप दे देंगे सर एक बार पीछे वाला स्लाइड ओपन करिए ना सोशल प्रूफ्स इससे पहले कौन सा था इमेजेस एंड वीडियोस हाँ हाँ ओके उसके बाद सोशल प्रूफ उसके बाद री स्टेटमेंट उसके बाद क्लोजिंग आर्गुमेंट, मतलब ये फाइनल चांस है अब आपको कस्टमर को इम्प्रेस करने का यहां अभी तक आपने नहीं लिया तो ये वक्त है अब लेने का बस उसको थोड़ा सा चैलेंज करके और फिर कॉल टू एक्शन लगाया आपने और इस तरीके से हमारा ये आठ पॉइंट में हमारा लैंडिंग पेज डिजाइन हुआ अब इस लैंडिंग पेज को मैं एक बार और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कुछ लैंडिंग पेजेस डिजाइंड है मैं आज आपको बर्ड प्रेस में एक लैंडिंग पेज बताता हूं आप मैं आपको, तो मेल मेल तो तो आपको प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ तो उसका तो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्या लैंडिंग पेज वाली रिकॉर्डिंग यस अवेलेबल है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसमें नहीं थी मैंने देखा था हाँ नहीं रिकॉर्डिंग चलिए मैं उसमें डाल दूंगा अगर नहीं होगी तो अब यहाँ मेरे पास ये बहुत सारे टेम्पलेट हैं मेरे बर्ड प्रेस अकाउंट में जहाँ से मैं सीधे लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकता हूँ तो लैंडिंग पेज डिजाइन करने में आ, मैं यहाँ से एक लैंडिंग पेज का प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको जिसके तीन पेज हैं देर आर थ्री पेजेस वन इज लैंडिंग पेज सेकेंड चेकआउट थर्ड इज थैंक यू तो लैंडिंग पेज में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हेडलाइन है मेन ऑफर हेडिंग हियर ये एक है तो यहाँ अभी तक डेटा नहीं लिखा है यहाँ आप अपनी हेडलाइन लिख सकते हैं हेडलाइन को यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी सब लाइन यहाँ उसके नीचे और डाल सकते हैं या यहाँ यहाँ आपके इमेजेस और फोटोग्राफ्स जो भी है वो रख सकते हैं फिर उसके फीचर्स यहाँ लिखे आपने कहाँ पर मिलेगा ये हमें टेम्पलेट आ, ये टेम्पलेट अगर आप अपनी वेबसाइट में लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे बर्ड प्रेस में तो ऐसा टेम्पलेट वहां मिल जाएगा अदरवाइज जिस साइट पर भी आप डिजाइन करेंगे वहां भी आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे जैसे मैंने एक यहाँ दिखाया मैं यहाँ दिखाता हूँ फिर आपको दो तीन प्लेटफॉर्म्स पर और दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी ऑलरेडी है हाँ नहीं बर्ड प्रेस में लाना पड़ता है इसको इट इज नॉट ऑलरेडी देयर

एविडेंस दिया कि यहाँ इन लोगों ने कहा ये प्रोडक्ट अच्छा है ये इसका नाम है ये ये इन लोगों ने इसको कहा फिर यहाँ री किया यहाँ ये यह लाइन से री किया और फिर यहाँ सी लगा दिया गेट स्टार्टेड नाउ अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो यहां से खरीदें और फिर ये पूरा प्रोडक्ट या नीचे फिर आपने दो तीन जगह आपका सी लगता है परचेज इंटरेस्टेड अगर कोई फिर नीचे आके यहाँ से नहीं किया तो नीचे आएगा एफ लगा दिया लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछे तो ये बन गया हमारा यहाँ गेट ना हो गया यहाँ गेट स्टार्टेड नाव हो गया कहीं तो आदमी बटन दबाएगा चारों तरफ लिंक लगाए हुए हैं एक ही जगह लेके जाएंगे इनमें से कहीं भी क्लिक करोगे वो सीधे आपको चेकआउट पर ले जाएंगे चेकआउट पेज पर जाएंगे चेकआउट पेज, पेज, पेज कैसा दिखाई देगा योर ऑसम प्रोडक्ट एस एस एल सर्टिफाइड ये यहाँ चेकआउट पेज पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है इधर कमर्शियल डिटेल्स आ जाएंगी एंड प्लेस ऑर्डर जैसे ही प्लेस ऑर्डर किया थैंक यू यहां से थैंक यू हुआ और थैंक यू होते ही ये आपका थैंक यू पेज आ गया यहां से आपका ये ऑर्डर नंबर है ये डेट है ये आपने अमाउंट दिया था अगर प्रोडक्ट डाउनलोडिंग प्रोडक्ट है तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो अदरवाइज जो भी थैंक यू पर आप इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ हो जाती है अब ये तीनों पेजेस यहाँ अलग अलग हैं, बट जब आप आदमी को दिखाएंगे वहाँ विजिटर के लिए वो एक ही पेज होता है एक ही पेज के पार्ट है एक ही सीक्वेंस है तो ऐसे करके ये लैंडिंग पेज हमारा बनता है आ, मैंने ये बर्ड प्रेस में दिखाया अब इसके अलावा आप मेल चिप में जाओगे या फिर ये यूक्राफ्ट पे बनता है एक मैंने प्लेस बताया था यूक्राफ्ट ये यूक्राफ्ट पर लैंडिंग पेज है ये लीजिए यहां यूक्राफ्ट के टेम्पलेट्स हैं ये सारे यूक्राफ्ट फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर आप यहां जाएंगे इनमें से आप गेट स्टार्टेड इतने सारे टेम्पलेट्स हैं इनमें से कोई भी टैंपलेट आप ले सकते हैं इनमें से जिसका भी प्रीव्यू आपको देखना हो लाइक सो आई एम गोइंग टू सी द प्रीव्यू ऑफ दिस सबसे इजी किसमें इजिएस्ट वे एंड वेरी ऑटोमेटेड काइंड ऑफ ऑटोमेटिक्लेटफॉर्म ये देखिए यहां इन्होंने एक अच्छी फोटो लगाई है ऊपर नेबरहुड की यहाँ इन्होंने एक कैची लाइन रखी बिल्कुल ऑड दिया इन्होंने यहाँ फेस सकल बिल्कुल ऑड दी है आदमी की निगाह टिके यहां उसके नीचे एविडेंसेस दी हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिर नीचे इसको री किया है ये यहाँ दो चैनल हुए तीसरा जस्ट ए मिनट प्लीज गेट अ मिनट ओवर जस्ट हेलो कोई रवानी आ रही हेलो सर सर नहीं है शायद मुझे लगता है लेट्स वेट फोन आया है हमको सर को फोन अटेंड कर दे सर yes and this is the third option sites.google and google sites you can create your form at google site also like just go to google sites and google sites also provides you creating landing page for free so you can create landing page here also so there are multiple places you can create your landing page but the simplest form is mailchimp mailchimp is so sophisticated easy and simple to create landing page and you can automate your emails also with this which was pending that day so i'm going through creating a landing page at mailchimp create landing page so you can take the steps once again go to landing uh, go to mailchimp account click on create click on landing page and then type the name of landing page like digital marketing select your audience list so which list you want to select to whom you want to uh means in which list the contact details will be saved once the traffic attracts and the people fill their details then in which list these details will be saved that will called audience for this particular landing page and just begin begin select a template

ड बी योर कैची लाइन एंड यू कैन राइट योर टैग लाइन सपोर्ट लाइन ऑल्सो हेयर इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑन द राइट साइड सीधे हाथ की तरफ ये जो ब्लॉक है इसमें ये चीजें लिखी जा सकती हैं लाइक वाइल्ड कंट्री को मुझे लिखना है वाइल्ड uh, लाइफ इल्ड लाइफ लिख सकते हो और पैशन टूर लिखना है तो आप पैशन जो लिखना है आप यहाँ चेंज कर सकते हो इन केस यू वांट टू राइट द सेकंड लाइन हियर फील द एडवेंचर ये लीजिए ये यहाँ हो गया in case you want to add more lines you can put more lines now here you can put the cta direct email address in case you want to put first name last name phone number also just put this form here यहाँ ऊपर लिख दिया साइड में फोटो दिए आपने यहाँ एक फॉर्म लगा दिया यहाँ आपने डिटेल्स दी यहाँ आपने सोशल प्रूफ्स दिए सोशल प्रूफ्स देने के बाद यहाँ री किया प्रोडक्ट को यहां कुछ इमेजेस और लगा सकते हो आपको इसका पोर्ट चाहिए देन क्लिक हेयर दूसरा आपका सी आ गया एंड दिस वे यू कैन सेव दिस दिस वॉज द डिजाइन फर्स्ट डिजाइन ऑफ दिस ये आपका पहला डिजाइन हुआ नेक्स्ट दिस गॉट सेव्ड ये आपका लैंडिंग पेज सेव हो गया इसमें प्रोडक्ट सेल नहीं है बस कॉन्टेक्ट लीड जनरेशन का था ये एंड नाउ यू विल सी पेज टाइटल डिजिटल मार्केटिंग एंड यू आर एल ऑफ दिस पेज मीन्स दिस वुड बी द लिंक ऑफ दिस एंड इन केस यू वॉन्ट टू एडिट द डिजाइन यू कैन एडिट द डिजाइन हेयर एंड आम पब्लिसिंग दिस हेयर ये आपने उस दिन कर लिया था Yes, now this URL is ready. You can copy this URL here, and I'm putting it in the chat. मैं इसे कॉपी करता हूं कॉपी लिंक और उसको मैंने चैट में रख दिया ये लीजिए ये बन गया अब इसमें ईमेल ऑटोमेट कैसे होगी यानी इस लैंडिंग पेज को ईमेल कैसे जाएगी ये हमें अभी देखना है तो हमें क्या करना होगा इसके लिए मिनट। पहले इसको हम रन करके देखते हैं ये ऐसे दिखाई देगा ये पूरा एक पेज क्रिएट हुआ हमारा क्रिएट पेज क्रिएट हुआ अब वाइव्य कोई इस पेज पर क्लिक करता है आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक ई जाएगी तो यहां से क्या करना पड़ेगा हमें एक ईमेल एक कैंपेन क्रिएट करनी पड़ेगी क्रिएट जस्ट मिनट i had a question on this page yes please it shows you can share it on facebook and twitter why mm -hmm. does it not show whatsapp can you not add whatsapp to that because it cannot be uh, uh, added directly mailchimp is not compatible with whatsapp or whatsapp is not compatible with the uh, mailchimp directly to share the content this way wherein uh, Facebook and uh, that uh, second Twitter is compatible. It can be shared directly from here. But now Facebook is linked with WhatsApp, right? Yeah, Facebook and uh, Facebook, Instagram, and uh, WhatsApp. All these three uh, applications are from a single family. But uh, this Mailchimp has a different family, so they have no compatibility yet. In case they create such kind of compatibility they will put it here okay thank you okay welcome so now so this is digital marketing landing page it has been created now we have to create one email email automation or email means if somebody clicks on this uh, this particular landing page and if somebody lands over this page through this particular link

तो यहाँ पर आप जब भी इसको क्लिक करोगे मैंने आपको डाला है तो आपको आपके पास एक ई मेल वहां से निकलेगा और वो ई मेल यहाँ से हमने क्या किया हुआ है कि एक बना के ऑलरेडी रख दिया है यहां से जैसे चार विजिट इस पेज पर ऑलरेडी हो चुकी हैं आपकी मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि चार लोगों ने यहा वो देख लिया है और मेरे पास ऑलरेडी कैंपेन्स में अगर मैं देखू मेरे पास कैंपेन्स हैं आपके किसी के क्वेश्चन हों तो प्लीज पूछते चलें साथ साथ। यस प्लीज, प्लीज yes, कैंपेन्स क्या है कैंपेन्स का मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर कैंपेन रन की कैंपेन का मतलब है एक आपने मार्केटिंग एक्टिविटी की जिसमें आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया क्रिएट करने के बाद वो आपने आ, लोगों को भेजा भेजने के बाद वहाँ से लोग लोगों ने उसको देखा देखने के बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल किए फिल करने के बाद उनको एक ई गया तो ये पूरा का पूरा प्रोसीज़र एक पूरी की पूरी एक्टिविटी हमारी कैंपेन कहलाती है तो ये कैंपेन्स मैंने यहाँ एक जनरेट किए जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग पांच लोगों ने विजिट किया एक आदमी ने क्लिक किया एक सब्सक्राइब हो गया जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसको यहां से एक ईमेल ऑटोमेटिक निकली होगी और वो ऑटोमेटिक ईमेल हमारी सर किसी ने ईमेल टाइप नहीं किया उसका तो उसको नहीं जाएगा ये हाँ जिसने टाइप नहीं किया उसको नहीं जाएगा लेकिन हमने उसको ऑप्शन में रखा तो ही वो आ, ये कर पाएगा ना मेल हाँ अगर जब उसको डिटेल ही नहीं मिला तो वो वहां जाएगा नहीं फिर अच्छा हाँ, तो यहां से तो मतलब ईमेल आईडी को हमें ऑप्शन में रखना पड़ेगा हाँ, नहीं।, नहीं वो मैंडेट ही रहेगा अगर आपने यहाँ जब भी आप कैंपेन चला रहे हो तो इसकी लैंडिंग पेज की तो लैंडिंग पेज की कैंपेन्स ईमेल पर ही चलती हैं ईमेल ऑटोमेशन ही लेती हैं ईमेल को मैंडेट रखता है वो रादर आप अपने फोन नंबर भी रख के ऑप्शनल कर सकते हो बट जितने जी, भी फ्री एप्लीकेशन है वहां आपका ईमेल को वो मैंडेट रखता है तो यहां से अभी ये कितने लोग नौ लोगों ने विजिट कर लिया है छह लोगों का क्लिक हो गया दो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है जिन्होंने सब्सक्राइब कर, कर लिया उनको एक ईमेल पहुंच गया होगा और वो ईमेल्स जिस ईमेल से सब्सक्राइब करें उसी ईमेल पे सर यस उसी पे आपको एक ईमेल पहुंच गया होगा ऑलरेडी सर मेरे को अभी तक आया नहीं मेल नहीं आया तो 45 मिनट में डिलीवर हो जाता है और ये okay, 45 मिनट का टाइम है गूगल का यहाँ से मेल चिंप ने निकाल दिया होगा ओके okay. बट गूगल कहता है कि जीरो से 45 मिनट्स लेते हैं वो ओके okay. और यस सर मेरा यहाँ पे एक क्वेरी था जी uh, जैसे अभी ये टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है मतलब सॉरी लैंडिंग पेज तो ये मेल में हम लोग कर रहे हैं ठीक है जी, जी, तो मान के चलिए अभी ये फ्री मेल चिम में यूज कर रहा हूँ तो इसका जो यू आर एल है वहाँ पे क्लियर कट मेल चिम डिस्प्ले कर रहा है जी क्या ये पेड वर्जन में भी वो मेल चिम वाला ही दिखेगा ना इसको नहीं, कुछ हम लोग पेड वर्जन में आप अपना डोमेन लगा सकते हैं ठीक है लेकिन फिर वो रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा नहीं पेड वर्जन में जब आप इसका पेड वर्जन लोगे या किसी भी चैनल पर आप पेड वर्जन ले लेंगे okay. तो आप अपना डोमेन परचेज करेंगे और okay. वहां ये प्लेटफॉर्म आपसे कहेगा कि आप अपना डोमेन लिख दो तो ये रिडायरेक्ट कहीं नहीं होगा ओके ओके गुड खुद ही बेलचिम्प या दूसरा प्लेटफॉर्म खुद ही आपके डोमेन को वहां रजिस्टर कर देगा इस नाम की जगह ठीक है मतलब मेल चिम में ही सारा इंटीग्रेशन है यहीं पे डेटा आ रहा है यही यहीं से यही खाली डिस्प्ले में वो राजेश जयता वैसे डिस्प्ले डिस्प्लेम बिल्कुल, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप ठीक है सर ठीक है बट सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग वेबसाइट में ही करते हैं उससे ये इफेक्टिव होगा ना हाँ वेबसाइट में करते हैं तो आप एक ही जगह पे कर पाओगे दो जगह की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट बन रही है आपकी अलग ऑटो ऑटो हाँ, चला जाएगा वैसे अगर आप MailChimp पे करते हो तो आपका मेल चिमप औरकिंग कर लेते हैं कॉन्टेक्ट का अगर मेल चिम पे कॉन्टेक्ट आ रहा है तो वो सीधे वेबसाइट पर चला जाएगा ऑटोमेटिक वेबसाइट की लिस्ट में और वेबसाइट पर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक मेल चिम पे आ सकता है ये बाई डायरेक्शनल ऑटोमेशन हो सकता है दोनों की हैंडसेकिंग का ओके मैं एक बार आपसे बात करूंगा तो सी एम एस टाइप का कुछ देंगे जहाँ पे वो डेटा जो भी लीड आ रहा है वो वहां पे रहेगा अब उसको मैं मेल में भी रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ हाँ मेल में रिडायरेक्ट करा सकते हैं मेल डेटा ले लेता है आपकी कैंपेन से ओके ठीक है सर ठीक है जी तो यहां से हम क्या कर सकते हैं अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं यानी अगर ईमेल हमें क्रिएट करना है उसके लिए तो हम क्या करेंगे यहां से ईमेल टेम्पलेट्स ले लेंगे ये लीजिए ले ये बहुत सारे ईमेल टेम्पलेट हैं इनमें से कोई ईमेल लेकर आप ईमेल क्रिएट करके उसके साथ लगा सकते हैं

मेरी है। हाँ अभी क्लियर है ईमेल टेम्पलेट का मतलब है अगर किसी ने लैंडिंग पेज आपका फिल कर दिया तो आप उसे थैंक यू करेंगे वो जो थैंक यू पेज है या थैंक यू करने के लिए आपको किसी ने ईमेल दी तो सीधे उसके इनबॉक्स में आपकी एक ईमेल चली जाएगी तो सर अभी हम लोग कैसे करेंगे करें मैं एक बार वापस जाता हूँ यहाँ से आप आपके पास दो ऑप्शन हैं क्रिएट करें क्रिएट करने के बाद आपके पास ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और मैं यहाँ से ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं तो मैं यहाँ से रेगुलर ईमेल क्रिएट कर सकते हो आप सिर्फ थैंक यू का टैक्स लिख के या टेम्पलेट ले सकते हो प्लेन टैक्स लिख सकते हो मैं एक रेगुलर ईमेल ले रहा हूं यहां से कैंपेन नेम ले सकते हो आप जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिया अब ये ईमेल मुझे किसके लिए लगानी है मतलब किसको भेजनी है तो ये ईमेल मुझे उन लोगों को भेजनी है जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पर जो अपनी डिटेल फिल करेंगे तो मैंने यहां से कैंपेन नेम सेलेक्ट कर दिया यहां से बिगिन किया अपने आप थैंक यू का सेंड कर देगा सिर्फ आप ले बनाएंगे तब यहां आप क्या करेंगे फ्रॉम हु इज सेंडिंग दिस कैंपेन तो यहां आप वो ई मेल भरेंगे जिस ईमेल आईडी से आप भेजने वाले हैं लाइक like मैंने ये किया तो इससे भेज दिया फिर उसका सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट लिखेंगे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग पीपल ट्रेनर्स आदर्शन गुरु ये आपने कर दिया फिर आप कंटेंट लिख देंगे यहां यहां जैसे ही कंटेंट लिखेंगे डिजाइन ईमेल से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप बहुत सारे टेम्पलेट से ईमेल लिखने के आप उसमें कंटेंट लगाकर आप अपना ईमेल डिजाइन कर सकते हैं इमेज लगाना है टेक्स्ट लगाना है डिजाइन करना है खूब आप डिजाइनर ईमेल लिख सकते हैं यहां से लिखने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे अभी यहाँ से मुझे क्योंकि कंटेंट नहीं है तो मुझे सेव नहीं करने देगा अदरवाइज आप यहां से उसे सेव कर सकते हैं सेव करके ये ईमेल आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा यहां से करने के बाद मैं वापस जा रहा हूं क्यों मेरे पास टाइम कम है दूसरी क्लास आठ बजे शुरू होने वाली है सेवन फिफ्टी एट हो चुके हैं यहां से आप अपनी ईमेल के तीनों ब्लॉक्स को फिल कर देंगे ये आपकी ईमेल मैंने कंटेंट डिजाइन नहीं किया अभी तीनों डिजाइन करने के बाद ये आपका यहाँ से सेव हो जाएगा जैसे ही सेव हो जाएगा ये वाली ईमेल उन लोगों को जो भी आपके कस्टमर जो भी विजिटर्स फिल करते हैं उनको ये जानी शुरू हो जाएगी तो ये आपका थैंक यू पेज हो जाएगा थैंक यू ईमेल हो जाएगी ऐसे करके आपकी ये पूरी कैंपेन काम करेगी सर इसमें ये तो अपने डाटा है

आपके जितने भी क्वेश्चन हों प्लीज वन ऑन वन में आप हमसे पूछ सकते हैं आ, कल दिन में आप पूछ लेना जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं अभी आठ बजे दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं इसलिए आज इस क्लास को यहीं समराइज करेंगे यहीं बंद करेंगे सर तो हाँ रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी आ, मुझे आप अपना फोन नंबर बस ग्रुप में आप पोस्ट कर दो कि बस आप अपना नाम लिख देना मैं वहाँ रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी सर मोबाइल सर लैंडिंग पेज ओवर हो गया ना आज लैंडिंग पेज ओवर हो गया लैंडिंग पेज से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हों वो सुबह आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है सर ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन इट इज 8:00 सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर वो दूस, दूसरा वो पासवर्ड है ना उसमें यस yes, यस yes, दूसरा पासवर्ड ओके ओके ठीक है okay, okay, थैंक यू oh,